झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को संथाल परगना में पार्टी के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत माना जा रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान था कि चंपाई सोरेन के समर्थन से बीजेपी को क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलेगी, लेकिन मतदान के बाद आए एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने इस अनुमान पर पानी फेर दिया है। एग्जिट पोल 2024 के अनुसार संथाल परगना में एनडीए गठबंधन केवल 3 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 15 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को केवल 37% वोट मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि इंडिया गठबंधन को 52% वोट का समर्थन मिलता दिख रहा है। अन्य दलों के हिस्से में 8% वोट जा सकती हैं। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद यह माना जा रहा था कि संथाल परगना में आदिवासी वोटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आदिवासी मतदाताओं का झुकाव अब भी इंडिया गठबंधन की ओर दिख रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार एनडीए की कमजोर स्थिति का मुख्य कारण स्थानीय मुद्दों पर ध्यान न देना रहा। वहीं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हेमंत सोरेन वोटर के बीच चंपाई सोरेन को लेकर मैसेज देने में कामयाब रहे। चंपाई सोरेन ने कुर्सी के लिए पार्टी को धोखा दिया। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को साधने के साथ साथ विकास और उनके अधिकारों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिसका असर मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में दिखाई दिया। हालांकि ये आंकड़े केवल एग्जिट पोल के अनुमान हैं और असली नतीजे चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होंगे, लेकिन फिलहाल एनडीए के लिए यह चिंता का संकेत है, खासकर जब उसने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए थे।